नमस्कार, मैं ज़ोया खान। खुशियों की दिवाली वीकेबी के साथ इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिवाली जो है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और दिवाली का त्यौहार, हम इस त्यौहार के लिए साल भर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि भारत का सबसे बड़ा और अहम त्यौहार जो है वो दिवाली है। तो दिवाली के त्यौहार में लोग काफ़ी दिनों पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं, चाहे वो खान पान की तैयारी हो, चाहे कपड़े लत्तों की तैयारियाँ हो, चाहे सजावट जो होती है उसकी तैयारी हो। लेकिन भारत की संस्कृति में एक मेन हिस्सा होता है रंगोली का। जी हाँ, दिवाली हो या कोई छोटे मोटे फंक्शंस क्यों ना हो, हर त्यौहार, छोटे मोटे त्यौहार हो, उसकी शुरुआत हम रंगोली से करते हैं क्योंकि रंगोली एक मेन बहुत ज़रूरी ही समझ लीजिए संस्कृति जो है अपने भारत की, वो मेन संस्कृति है। इस संस्कृति से काफ़ी बाहर के विदेशों से भी इस संस्कृति की काफ़ी मान्यता है और उन लोग भी आजकल काफ़ी इंटरेस्ट भी लेने लग गए हैं। तो बस रंगोली जो विशेषता है रंगोली की, उसी के सिलसिले में आज हम मुलाकात कर रहे हैं नागपुर के जाने माने आर्टिस्ट, रंगोली आर्टिस्ट सुमित से। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि रंगोली की क्या विशेषता है और इस कला में उन्होंने कैसे उनकी एंट्री जो है उन्होंने की है। तो सुमित, मेरा सवाल आपसे ये है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये क्षेत्र जो है, काफ़ी हम देखते हैं कि औरतें महिलाएं इस क्षेत्र से काफ़ी जुड़ी हुई होती है, ये उनकी पसंदीदा काम है रंगोली। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि आप एक मेल, एक पुरुष जो है इस क्षेत्र में इतना नाम उन्होंने कमाया है जो कि आप हो। तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ये शुरुआत आपने कहाँ से की और इस संकल्पना आपके दिमाग में कैसे आई? वैसे तो बचपन से ही निकल रहा था रंगोली, लेकिन जब से मैं नागपुर में कदम रखा हूँ, 11वीं में था तब से मैं नागपुर में आई हूँ। और मेरे दीदी के पास मैंने रंगोली सीखी, बेसिक उनके पास सीखे। उसके बाद इरा रंगोली आर्ट से पुणे के, वहाँ से भी सीखे, उनसे ऑनलाइन क्लास किए थे उन्होंने। और वहाँ से लेकर सबसे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करके ही अपने आप को यहाँ तक लाया हूँ। और उसके बाद कुछ पिछले से यही साल स्पेन के लिए भी सिलेक्शन हुआ था मेरा रंगोली के लिए, जो सांगली के रंगावली कार है उनके, उन्होंने किया था सिलेक्शन। और अभी 7 साल हो गए जबरपास मैं रंगोली निकाल रहा हूँ। तो ये क्षेत्र हमेशा महिलाओं का रहा है, लड़कियों का रहा है, ठीक है। लेकिन कैसा होता है ना, एक लड़का जो होता है उसको ये सपना होता है कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, या मैं डॉक्टर बनूं, या मैं इंजीनियर बनूं कुछ। लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि आपको रंगोली क्षेत्र में नाम कमाना है? अभी बोला जाए तो अभी 7 साल हो गए मैं रंगोली के, रंगोली निकल रहा हूँ। अभी ऑर्डर भी लेना चालू कर दिया, फिर मेहंदी भी निकलता हूँ मैं साथ में। और चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं रंगोली से रिलेटेड ही सवाल पूछूंगी। मुझे एक बात बताइए कि रंगोली जब आपने शुरुआत की थी, क्योंकि रंगोली के बहुत सारे प्रकार होते हैं, शुरुआत में हमने देखे थे टिक्के वाली जो रंगोली जो काफ़ी प्रचलित थी और उसी की मान्यता काफ़ी साल तक रही, लेकिन अभी अलग अलग प्रकार रंगोली के आ गए हैं। तो आपने शुरुआत किस रंगोली से मतलब की और सबसे पहली रंगोली आपने कौन सी निकाली थी? सबसे पहले टिक्के वाली निकालता था मैं बचपन में, 10वीं तक टिपके वाली निकालता था, 11वीं से लेकर अभी यहाँ तक, अभी संस्कार भारती रंगोली निकालता हूँ। अभी जो गालीचा पैटर्न, जो पुनेरी पैटर्न बोलते हैं अपन यहाँ पे नागपुर में बहुत कम चलता है पुनेरी पैटर्न, मैं सबसे ज़्यादा निकालता हूँ ये पुनेरी पैटर्न, संस्कार भारती गालीचा रंगोली बोलते हैं। जो अभी मैंने जो वो पैटर्न जो निकाला है, संस्कार भारती गालीचा रंगोली पैटर्न है वो। मैंने देखा और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है रंगोली में जान डाल दी है। सुमित, अभी दिवाली काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, तो हमारे जो दर्शक है उनको आप क्या सिंपल टिप्स देना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो रंगोली के बारे में? रंगोली के बारे में बताने जाने दिए तो सिंपल टिप्स, सबसे सिंपल टिप्स, बेसिक से रंगोली सबसे अच्छी रंगोली बनती है राउंड में। जैसे कि यहाँ पे कल हमने डेमो दिया था, कल रंगोली का, वहाँ पे बेसिक रंगोली यूज़ करके, सिंबल यूज़ करके ही रंगोली बनाई थी, जैसे बिंदु, स्टेप बिंदु, रेशा, स्टेप रेशा, गोपद्म, केंद्रवर्धिनी, इसका इस्तेमाल करके बेसिक रंगोली बन सकती है। अच्छा, और रंगोली की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या ऐसा विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है और क्या ध्यान देना चाहिए रंगोली निकालते वक्त, जब अगर हमें इतनी परफेक्ट रंगोली निकालनी है तो किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? सिंबल निकालते समय अच्छे से शेप उनके बराबर आने चाहिए। और दूसरा है कलर कॉम्बिनेशन सबसे खास अहमियत, क्योंकि उससे रंगोली अपनी अच्छी दिखती है। अच्छा,
अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल है सुमित, आप कोई ऐसी आपकी कोई ऐसी बात शेयर कर सकते हो कि जैसे होता है ना क्षेत्र में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाइब्स मिलती है, तो आपको कभी नेगेटिव वाइब्स मिली है इस क्षेत्र में? आपने इतना यहाँ तक नाम कमाया, लेकिन एज अ मेल, एज अ एक आप पुरुष हो, उसी पर्पज से मैं पूछ रही हूँ कि हो सकता होता है कि कभी कभी ये तो लड़का होकर इस क्षेत्र में कर रहा है, तो आपको कभी ऐसा अनुभव आया है? आया ना, जब मैं स्टार्टिंग किया था रंगोली, अभी 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे गांव में हुआ था ऐसा, लेकिन उनके साथ मैंने ध्यान नहीं दिया उनको। मैंने अभी मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे अगर मैं वही वही पे छोड़ देता तो इस लेवल तक नहीं पहुँचता मैं, इसलिए मैंने सबसे पहले रंगोली की सबसे ज़्यादा मैंने अहमियत दी रंगोली में। अभी तक मैं उनके ही उसके क्या बोलते हैं, रंगोली और मेहंदी के बेसिक पर मैंने अभी तक बहुत कुछ कमाया है। इस क्षेत्र में आने वाले जो नौजवान हैं, लड़के हो या लड़की हो, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे इस क्षेत्र में आने के लिए? इस क्षेत्र में अगर पहले से उनको रंगोली या मेहंदी निकालना आता हो तो वहीं पे फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और अपने आप हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब क्या बताना, क्या है, दिवाली आ रही है, दिवाली की शुभकामनाएं, और इस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को क्या आप अपने तरफ से मैसेज देना चाहोगे? मेरी तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं, और आने वाली दिवाली आपकी सबसे अच्छी दिवाली जाए, बस यही शुभकामना करते हैं। बहुत अच्छा लगा सुमित आपसे बात करके। तो ये रहे हमारे नागपुर के जाने माने आर्टिस्ट सुमित। तो देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि रंगोली जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे चल रही है, महिलाएं भी खूबसूरत तरीके से रंगोली जो बना रही है, और सुमित की जो रंगोली थी काफ़ी खूबसूरत हमने देखी, सुमित ने तो जान ही डाल दी है रंगोली में। तो बस आज के इस दिवाली विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ ज़ोया खान, नागपुर।